जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 9:12 9:12 PM जुलाई 10 तारीख आज 10 जुलाई 2020 10 जुलाई 2020 और 9:12 हुई रात की। और आज एक मैं धमाकेदार वीडियो बना रहा हूँ। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं है दोस्तों, जो मतलब आप लोग को मंडे के लिए चाहिए वो रात को मैं या तो 11:30 बनाऊँगा या कल सुबह 7 या 8 बनाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 3:30 एक लगभग व्यू दे दिया। लेकिन अब मुझे आपको जो डिटेल व्यू देना है, मैं आज बहुत अच्छे से रिसर्च करके मैं या तो रात को 12:00 या 1:00 या सुबह कल 8:00 तक बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे, क्योंकि एक ऐसे जंक्चर पे आ गया मार्केट कि अब आपको अगर सावधानी नहीं बरते तो आप अपना वही हाल देखोगे जो फरवरी मार्च में आपने देखा था, मार्च महीने में। क्योंकि मार्केट जब सब मंदी करा रहे थे तब मैं अकेला आपको तेजी करा रहा था। पूरे यूट्यूब में मैं अकेला बंदा था जो उस समय 24 मार्च के दिन ये टारगेट्स दे रहा था कि 21,000 बैंक निफ्टी आएगा, 22,000 बैंक निफ्टी आएगा, 10,000 निफ्टी आएगा। आपको मैं सारे प्रमाण के साथ बोलता हूँ और कंटिन्यू आप देख रहे हो, मैं हर दिन आपको तेजी कराया हूँ। इनफैक्ट 10,000 के बाद भी मैंने ही कंटिन्यू आपको तेजी कराई, बल्कि 11,000 का टारगेट्स भी मैंने दिया। और मेरा फर्स्ट टारगेट था जुलाई महीने का 10,800, जो कि अचीव होने के बावजूद मैंने खुला चैलेंज किया कि 11,200 भी आएगा इसी महीने में। लेकिन अब 11,200 बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक बार इसको करेक्शन करके 10,550 भी ला सकता है, ये वहाँ से 11,200 आएगा। और नहीं भी आया तो आप देखिए 7,500 निफ्टी था और मैं 7,600 से आपको तेजी करा रहा हूँ, उसके सारे प्रमाण दूंगा। और मैं 10 इस जुलाई महीने के लिए भी टारगेट्स आपको 17 जून से दे रहा हूँ कि 10,800 का टारगेट है 17 जून 2020 से। आप चेक कर लो, उस समय 9,880 चल रहा था निफ्टी, तब भी मैं आपको 10,800 का टारगेट उस दिन भी दे रहा था। आप चाहो तो मेरा 17 जून का वीडियो भी देख लो, ठीक है। नंबर एक बात, ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन मैं 8,000, 7,500 से भी तेजी करा रहा हूँ और तब भी मैं 10,000 बोल रहा था, ये भी आपको दिखाता हूँ। और तब भी मैंने एक बार भी कभी पलट के नहीं बोला कि अब मंदी आ सकती है, ठीक है। एक दो दिन के लिए हमेशा बीच बीच में मंदी कराता हूँ, क्योंकि डे वाइज आपको चलना पड़ता है, लेकिन टारगेट्स मेरे हमेशा बुलिश ही रहे। आप चेक कर लो अगर आप मुझे फॉलो करें तो। अब आ जाइए, पहले तो इसका टॉपिक पढ़ लीजिए, क्या टॉपिक है ये, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। क्या मार्केट, और ये वीडियो सब जगह शेयर करिएगा ईच एंड एवरी आदमी के पास, ताकि सब की जान बचे, कोई भी फंसे नहीं इस बार। क्या मार्केट में अलर्ट होने का टाइम आ गया, क्या बड़ी मंदी आने की आहट है, ये रिसेंट तेजी, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आपको टॉपिक दिख गया। अब मैं आपको एक एक सिलसिलेवार, बहुत ध्यान से इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे दोस्त, अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो मत करना, बाकी आपको अगर बिजी आदमी है तो मत देखो इसको, ठीक है। तो ऐसा किसी ने किया नहीं है। अब सब बोलेंगे मैंने बोला था तेजी, लेकिन सच बताऊं तो आपको एक एक स्टॉक गिनाता हूं मैं। PEL से मैंने स्टार्ट किया था, 24 मार्च से PEL 626 की रेट में भाई बोला था, 1450 आ गया, 1460 आ गया, वो कितना 626 का माल PEL पीरामल इंटरप्राइज लिमिटेड, वहाँ से मैंने स्टॉक्स के वीडियो भी चालू कर दिए थे 24 मार्च से, ये भी प्रमाण दूंगा। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको लाइन से कौन सा NCC बनाया उसी दिन। NCC मैंने 16.80 रुपये पे प्रेडिक्ट किया, 35 जाके आ गया, मैंने टारगेट दिया था 28 रुपये का, 35 चला गया। इसका टारगेट दिया था मैंने 1000 प्लस इसका दिया था 2 महीने का, और 1400 रुपये टारगेट दिया था PEL का, 626 चल रहा था विद इन 1 ईयर और 2 ईयर, 3 महीने में 1400 आ गया, 626 का स्टॉक, मैं सब दिखाऊंगा आज आपको। और उसके बाद मैंने बनाया था कोल इंडिया, जब पूरी दुनिया ने बोला कोल ब्लॉक का लफड़ा आ गया, ये आ गया कोल ब्लॉक मोनोपोली खत्म, तो मैंने एक कोल इंडिया का बाकायदा, कोल इंडिया टॉपिक है उसका वीडियो का, वो भी आप सर्च कर लो। मैंने दिया चैलेंज कि इसको मैं अपना पूरा संपत्ति बेच के खरीदूंगा अगर 120 आया तो, और 150 का मेरा टारगेट है, 145 का टारगेट है, 147 आ गया था। और उसके बाद मैंने दिया था आपको HUL और ये सब, तो 2200 का टारगेट HUL का था, अचीव हो चुका।
विद इन 1 मंथ। SBI दिया था 150 रुपया 70 पैसा पे। आप सारे के वीडियो खाली नाम से सर्च कर लिए, विद्यासागर SBI ऐसे करके सर्च करोगे मिल जाएगा, विद्यासागर PL या विद्यासागर आप कोल इंडिया, विद्यासागर SBI, विद्यासागर पेज इंडस्ट्री, आप सर्च कर लो सब में चैलेंज, विद्यासागर PFC 74 रुपया 85 पैसा में बोला 10% का गेन मिनिमम देगा तो वो 90 चला गया। तो ये सब तो बातें, अब आ जाते हैं सीधा टॉपिक पे जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वीडियो याद दिलाता हूँ जो मैंने अभी ज़्यादा रिसेंटली बनाया था 7 जुलाई को, आप देख सकते हो 7 जुलाई को। व्हाट, इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, मुझे आश्चर्य होता है ऐसे वीडियो को भी 7900 लोग ही देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स की कमजोरी है कि इस हाई लेवल का वीडियो बहुत कम लोग देख पाए। व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी, 7 जुलाई 2020 को बनाया, इसी महीने की 7 जुलाई यानी कि 3 दिन पहले मंडे को। व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी ट्यूसडे होगा शायद, 7 जुलाई है ना ट्यूसडे, न्यू ऑल टाइम हाईस और विल ब्रेक 7511 लोज ऑफ मार्च अगेन। तो इसमें मैंने क्या बोला है कि निफ्टी एक एंड सेप बनाएगा। चलिए मैं इसका थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा तभी ये वीडियो आपको कंप्लीट होगा। कि मार्केट वी शेप रिकवरी नहीं करेगा बल्कि ये एक उल्टा एन बनाएगा और इस उल्टे एन का टॉप बनेगा या तो 11250 या 11500 के आसपास टॉप बनेगा और वहाँ से एक 5000 पॉइंट की गिरावट मुझे लगती है, जो कि उसको 6200 से लेके 6500 तक ला सकती है बॉटम, नया बॉटम। तो ये मेरा संभावनाएं का मैंने पूरी तरह से आपको व्यक्त किया विद ड्राइंग्स विद मेहनत, जो मुझे लगा जो जो मैंने स्टडी किया, मेरे को मेरा कंक्लूजन ये आता है कि ये उल्टा एन बनेगा, ना कि ऐसा वी बने, ना कि ऐसा वी बने। वी बनेगा तो फिर ये वापस नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन ऐसा एन पर उल्टा एन पर यहाँ पर रुक दे, सुना देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए 11200 तक या 11500 दोनों में से कोई हाई बन के 6200 400 यानी कि अलर्ट तो मैं दे दिया आपको, ठीक है, नहीं रुकेगा इस महीने में, ये 3 अगस्त तक अपने आपको 11500 तक ला देगा, 3 अगस्त 2020 तक आप नोट कर लीजिए। ये सब स्टडी पर्पस के लिए भैया, इसको ट्रेड मत कर लेना। वहाँ 11500 से ला के मुझे लगता है वहाँ से एक बड़ी मंदी आएगी जो मार्केट को 6500 या 400 तक भी ले आएगी। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ। जनवरी 2020 में मार्केट ने 12430 का हाई बनाया, 11929 का लो बनाया। फरवरी 2020 में 12246 का हाई बनाया और 11175 का लो बनाया मार्च में। तो अब 11430 जो मार्च का हाई था, मार्च 2020 का, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है 11500 को मार्केट इसी बहाने से छुएगा, क्योंकि इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन दिखा रही है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन नीचे बीच में एक ड्रॉ की है सपोर्ट वाली, ये 11500 पे दिखा रही है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस इसको मिलना चाहिए मार्केट को ऊपर की तरफ, और वहाँ से एक पलटी नीचे की तरफ मारेगा। तो मैं आपको एक दूसरे चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चार्ट मैंने मंथली वाला लिया, 1 साल का मंथली चार्ट है। इसमें मैंने क्या लिखा, एन सेव्ड। लेकिन अगर एन को आप मिरर में देखोगे तो आपको एन ऐसा दिखता है। तो मार्केट भी कहीं ना कहीं आप देखो, अगर मैं वी शेप मार्केट को मानता हूँ रिकवरी करेगा, तो मार्केट ऐसा ऐसा रिकवर करेगा। आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर वी शेप रिकवरी आती है तो मार्केट जो ऐसा अभी जा रहा है, ये 12400-500 तक आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर एन शेप होती है, एन शेप होता मार्केट, तो हो सकता है 11200 पे या 11500 पे रेजिस्टेंस खा के या 11400 पे ये नीचे फॉल लाए अपने आप को, और इसको उल्टा एन बना के ये 6200 से लेके 6400 का एक बॉटम बनाएगा। ये मुझे लगता है, ये मेरे को ऐसा लगता है। तो यहाँ देखने लायक होगा जब ये 11000, क्या ये 11500 को पार कर पाता क्या, या 11200 पे रेजिस्टेंस कर खा के अपने आप को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके एक बड़ी गिरावट यहाँ से स्टार्ट कर देता है।
ये भी पॉसिबल है। तो मैंने सारी प्रोबेबिलिटीज आपको दिखा दी है, और मुझे देखिए दोस्तों ये मैंने आपको 7 तारीख को भी बना के दिखा दिया था कि अब आपको सावधान हो जाना है कभी भी, क्योंकि हमारे टारगेट सारे आ गए। अब आ जाते हैं सारे टारगेट्स आ गए, और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा मैंने 7 जुलाई को आपको बोल दिया, तो मैं आपको एक एक चीज़ें लाइन से बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरी क्लास भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग घर पे भी वापस देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसका टाइटल है व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी, न्यू ऑल टाइम हाइज और विल ब्रेक, और ये 7 जुलाई को मैंने बनाया है, तो मेरे चैनल में जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो ये एक कारण है जो मैं अब सावधान हूँ हमेशा हर रोज़, इसीलिए आपको बोलता हूँ फ्यूचर बिल्कुल मत लेके जाना। आप भले कॉल पुट से खेलो, अगर आपको तेज़ी करनी तो कॉल से करना, और मंदी आराम से फ्यूचर से कर सकते हो आप, ठीक है। अब आ जाइए, मैं आपको पी रेशियो दिखाता हूँ निफ्टी का। तो मैं आपको 1 जनवरी से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने 12430 का हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई जनवरी 2020 में। तब पी क्या चल रही थी आप देखिए, 28.33, 28.56 आप देखते जाइए, ये 1 जनवरी से चालू है, ठीक है। 28 इसमें हाईएस्ट देखिएगा, 28.67 एक हाई दिख रहा है आपको, 28.67 इससे ऊपर का हाई है क्या कहीं पे भी देखते हैं अपन। तो वहाँ से गिरते गिरते ये 27.73 भी आया जनवरी में, 26 भी आया, 25 भी आया, लेकिन वापस 26 चला गया वापस, लेकिन 28.67 अभी तक हमने टॉप देखा है जनवरी में, ठीक है। उसके बाद आप देखो मार्च में जो गिरावट आई थी, तो यहाँ से देखिए 26 फरवरी के बाद बड़ी गिरावट आ गई थी, 20 फरवरी के बाद 27.50 था पी रेशियो समय, उसके बाद अब देखो बड़ी गिरावट चालू हो गई थी और ये पी रेशियो घटते जा रहा है, 26 से 25, 25 से 25 हर दिन का, आप देखिए 25, 23, 21, 22, 20, 19, 18 और 23 मार्च और 24 मार्च को बॉटम बना था मार्केट का, वापस बॉटम बना था, तब इसकी पी रेशियो थी 17.15 और 17.58, ये 2 दिन हमारा बॉटम बना था, आप याद है 23 मार्च और 24 मार्च को, तब 17.15 और उसके बाद इसने उल्टी गाड़ी चालू कर दी बढ़ने की, पी रेशियो ने 18.74, 19.74, 19, 19, 19, 19, 20, अब देखो मार्केट फिर बढ़ने लग गया 20, 21, 21 पे आ गया, 21, 21, 21 मई में 22, 28 मई को ये 22 पहुंच गया। उसके बाद कंटिन्यूएशन दिखाता हूँ आपको, 1 जून से दिखाता हूँ आपको, ये दिखाने का कारण समझा देता हूँ, चिंता मत करिए। अब 1 जून से ये 22.96, 23, 23, 23, 24 छू दिया इसने 12 जून को, और 17 जून को 24.59 छू दिया, 25 छू दिया 18 जून को, और उसके बाद इसने 26 भी छू दिया 23 जून को पी रेशियो ने, ध्यान रखिएगा। और पिछला आपको जनवरी में हाईएस्ट कितना दिखाया, 28.67, और आप 7 जुलाई को देखो ये कहाँ था, 28.22 7 जुलाई को, तब मैंने ये वीडियो बनाया था आपके लिए, जो वीडियो मैंने अभी 7 जुलाई वाला आपको दिखाया कि क्या निफ्टी एन शेप्ड उल्टा एन बना के गिरेगा, क्योंकि मैं तब सावधान हो गया था। 28.22 की पी आ गई, और पहले का मैंने हाई देखा था 28.67, तो मुझे लगा अब यहाँ सावधान हो जाना। अब आप देखो 8 तारीख को इसने 27.98 किया, लेकिन वापस 9 और 10 जुलाई को, ये दोनों दिन मार्केट में पी रेशियो क्या है, यानी कि यस्टरडे और आज का 28.27, तो अभी एक अलर्ट सिग्नल पे है मार्केट, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यहाँ से पूरा फॉल आ जाएगा, यहाँ से मार्केट सीधा 7000 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, अभी थोड़े दिन आपको नाच नचाएगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये सब चीज़ों में अगर आपके पास डिलीवरी स्टॉक है तो आप सब निकाल दो, अब धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दो, आपको जो जो मैंने डिलीवरी दिलाई है सब निकालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अब ये 28.6, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 29 नहीं जाएगा, 29 भी आएगा, ऐसा नहीं कि पी 28 पे आ गया मतलब कन्फर्म गिरना है, ऐसा कभी नहीं होता, 29 भी आ सकता है, क्योंकि पहले एक टाइम था जब 22-23 की पी को हम लोग बहुत हाई मानते थे, 24 पे तो हम लोग आँख बंद करके शॉर्ट मारते थे, क्योंकि मैं इस मार्केट में 1987 से हूँ, तब तक निफ्टी भी नहीं आया था, निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 या 1996 में, आपको मालूम है जो NSE का जो निफ्टी है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 99, उसके पहले से मैं मार्केट में हूँ, तब खाली BSE का सेंसेक्स हुआ करता था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तब
कंप्यूटर नहीं थे, बोर्ड में लिखा जाता था सौदा, बोर्ड में लिया। रिलायंस मैंने 125 में खेला हुआ है, लिया लिया 125 में लिया, बोर्ड में लिख देते थे लिया सौदा, वो एक्सचेंज वाले लिखते थे, ऐसा होता था रिंग में काम। तो चलिए ये 28.27 आज भी पी है, तो बहुत बहुत हेवीली ओवरबॉट पी है। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करेगा, अपने आप को पी को 25 तक लाने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक मार्केट एक हो सकता है एक बार 10,500 का लो बनाए या 10,550 का लो बनाए, और बैंक निफ्टी भी कुछ 21,200 400 500 का भी लो बना सकता है नेक्स्ट वीक, क्योंकि एक इसको इस पी से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, फिर वो 11,200 जो फाइनल इसको स्कोर करना है वहाँ से ये सबको अटका के, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक ये 10,500 या 600 आता है नेक्स्ट वीक, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा, लोगों को फिर से लगेगा कि 10,800 टॉप बन गया, शॉर्ट मारो। तो उसके अगले वीक यानी कि नेक्स्ट वीक का जो मंडे आएगा, ये कमिंग मंडे नहीं, उसका अगला मंडे यानी कि जो 23 तारीख वाली वीक स्टार्ट होगी, अगली वीक का मंडे कब देख लेता हूँ मैं, इस वीक का मंडे है 13 तारीख को, तो 20 तारीख वाला जो मंडे है वहाँ से एक बड़ी तेजी होगी, क्योंकि इस नेक्स्ट वीक ज़्यादातर भाग जो मंदी साइड में रहेगा। जो आने वाली वीक है 13 तारीख से, जो 13 से लेके 17 तारीख तक की वीक है, इसमें ज़्यादातर पार्ट मंदी वाले प्ले करेंगे, नॉट तेजी वाले। लेकिन आपको घबराना नहीं, मार्केट वापस 11,000 भी जाएगा, ये भी मेरा वादा है। मैं ये पीई भी दिखा रहा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीक में आपको जहाँ जहाँ मंदी आती है, मतलब जिस दिन ज़्यादा गिरावट होती, जिस दिन मार्केट 150 पॉइंट गिरता है, उस दिन कॉल खरीदिए आप, खाली कॉल खरीदिए, फ्यूचर नहीं, वो भी लास्ट डेट वाले, एक्सपायरी के लास्ट डेट वाले, 23 तारीख के नहीं, लास्ट डेट वाले, ठीक है, याद रखिएगा। तो मार्केट वापस 11,000 जरूर जाएगा, 11,200 मेरा मिनिमम टारगेट है, 11,000 से 11,200। हालांकि मेरा टारगेट 10,800 आ चुका है, ये आपको मालूम है सबको, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 11,000 या 11,200 का हाई जरूर बनेगा, और हो सकता है एक्सट्रीम केस में 11,450 भी आ जाए, लेकिन उसके इस उसका मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगले वीक इसको पी को अपने आप को डाउन करने के लिए 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट भी निफ्टी में एक बार करेक्शन करा सकता है, तो 10,500 तक भी निफ्टी को लाएगा, और वहाँ से वो 11,000 ले जाएगा, फिर वो पी को 28,50, 28,60 ला के धड़ाम से गिरेगा, याद रखिएगा। तो ये आपको मैंने स्टोरी बता दी, और इसीलिए नेक्स्ट वीक थोड़ा सावधान रहना, इसीलिए मैंने आपको आज ही 2:30 बजे अलर्ट दे दिया था कि नेक्स्ट वीक। और लेकिन अगर मंडे को बड़ी गिरावट आती है फर्स्ट हाफ में मंदी बैंक निफ्टी में, तो उसी दिन से मार्केट वापस चढ़ा देगा, क्योंकि इनको पी को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देखो एक ही दिन में पी कहाँ से 24,59, 25, अगले दिन 25,59 आ गया, तो कितना टाइम लगता है आपको, और दिखाता हूँ, 22 की पी 23 पे पहुँच गई, 23 की पी कुछ भी होता है, तो इसका टेंशन नहीं है। और कई बार आपको ये भी दिखेगा मार्केट, आपको देखो ऐसा नहीं कि 28 पे आ गया तो सीधा गिर गया, आपको दिखाता हूँ 28 के बाद भी इसने कई दिन चलाता है, आप देखिए ये 28, 33, 28, 56, 28, 44 ऐसे कई दिन स्टेगनेंट रहता है, 28, 44, 27, 97 फिर 28, 51, 28, 67 फिर 28, 63 फिर 28, 61 फिर 28, फिर 27 ऐसे चलता, फिर वापस 28 आया, आप देखिए। तो ऐसा भी ये कई दिन वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा ताकि वहाँ पे मुर्गे ढूंढे बेचने के लिए माल, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि धड़ाम से आ जाएगा, लेकिन अब आपको वो अलर्ट हो गया। अब आ जाइए, मैं इसको भी बंद करता हूँ, दोनों को पी वाले को भी, जो मैंने रीज़न समझाना था वो समझा दिया, और एन वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब आ जाता है, मैं एक एक करके आपको वीडियो बताता हूँ, जिससे मैं आपको साबित करूँगा कि मेरी किस लेवल की नॉलेज है। और आप अगर मुझे आज नए ज्वाइन किए, तो आप देखो ये वीडियो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ये कौन सी तारीख का, देखिए ये 24 मार्च का वीडियो है, मतलब ये 23 मार्च का वीडियो की डेट है 23 मार्च, मतलब इसमें मैं व्यू दे रहा हूँ कि 24 मार्च को आपको क्या करना है। जैसे मैं हर रोज आज के दिन देता हूँ कल के लिए कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो 23 मार्च को ही अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में लो बना था, आपको याद होगा है ना, निफ्टी ने, तो 23 मार्च को मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ पहले तो ये देखिएगा, है ना, 23 मार्च का वीडियो है ये, किसके लिए व्यू दे रहा हूँ मैं, 24 मार्च के लिए। तो सुनते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलिए जहाँ पे चालू वहीं से सुन। अच्छा, बैंक निफ्टी का ये भी देखिए, एक और चीज़ है, बैंक निफ्टी का 50% हमने देखा ही था 18,000, ये देखिए मैंने दिखाया भी है, ये 3319 वाला है ना, ये वाला, चलिए थोड़ा आगे से सुना देता हूँ, इसको अच्छा लग गया, ये देखो अब आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ। तो अब कहानी क्या बनती है,
अब ये बनती है कि 16,300 या 16,000 जो सपोर्ट दिखा रहा है चार्ट का, ये इसका बॉटम होना चाहिए एज पर मी, क्योंकि अभी ऐसा हो गया मार्केट बॉटम तो कोई बताना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है दिस विल बी द बॉटम ऑफ बैंक निफ्टी, क्योंकि इससे ज़्यादा करेक्शन आया तो बहुत सारी सुसाइडल अटेम्प्ट भी होंगे, समझे। 16,000 रुपया इसका बॉटम होना चाहिए जो कि सपोर्ट बन रहा है इस 10 साल की लाइन का। देखिए 2009 पे मैंने, ये 2009 का बॉटम है, 2009 का बॉटम 3313 वाला यही बॉटम है, यहाँ से मैंने इसको टच किया और यहाँ तक लाया, तो ये बोल रहा है 16,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, नंबर वन पर। और ये जो 32,613 का हाई बनाया, इसका 50% बोलता है कि 16,306 होता है 50%, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। और जो रैली किया 3319 से जो 29,299 पॉइंट बढ़ के 32,613 पॉइंट आया, उस रैली का 50% होता है 17,963, लेकिन उसके नीचे तो हम आज आ चुके हैं, क्योंकि आज का लो इसने बनाया कितना, 16,791। सो टुडेज लो यहीं पे लिख देता हूँ, टुडेज लो, चलो टुडेज तो आगे सुनाता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा इतनी शार्प 50% की 29,000 पॉइंट रैली किया उसने 10 साल में, 29,300 पॉइंट रैली किया फ्रॉम 3319, ये कितना बड़ा, 32,613 तक गया, 29,300 पॉइंट बढ़ा बैंक निफ्टी 10 साल में, और तीन महीने में 16,000 पॉइंट गिर गया, 3 महीने में। ये देखिए, ये दिसंबर का हाई है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने में 16,000 पॉइंट गिर चुका, जिसने इस लो पे खरीदा था उसने 10 गुना पैसा बनाया 10 साल में 3319 जो 2000, लेकिन जिसने इस हाई पे खरीदा उसने 3 महीने में ही अपनी 50% की रकम गंवा दी, 3 महीने में, वो भी इंडेक्स में, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर तो बहुत सारे 10% भी हो जाते हैं, लेकिन इंडेक्स जो हमारी देश की शान होती है, हमारी देश की इकोनॉमी जिससे इसकी रैली, उसका 50% लगभग 18,000 होता है, 17,963 बोला वही होता है। ये जो 29,000, क्योंकि कल तो बहुत बड़ा तेजी वाला दिन रहेगा, लेकिन सुबह फिर भी रुलाएगा, सुबह रुलाएगा, लेकिन टुमारो विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी दिन, हो सकता कल 1,000 से 1,500 पॉइंट की भी तेजी रहे निफ्टी में, कल 1,000 से 1,500 पॉइंट भी कल तेजी देखने मिले, लेकिन पहले सुबह रुलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी बना के देख लेते हैं भाई, इसमें भी कहाँ क्या है, और तीन महीने में लो इस 16,700, तो आज का लो तो इतना है, तो 16,306 भी नज़दीक है, और अगर ये भी टूटता है 50% भी इस हाई का, तो यहाँ पे आता है 16,000 पे, ये सपोर्ट बहुत बड़ा आ रहा है, क्यों, ये लाइन का सपोर्ट, समझ में, तो इससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता इसको, इसके नीचे गया तो कोई कहानी, भगवान भी बचा नहीं सकता उसके बाद, 16,000 के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो मैं तो बोलता हूँ फिर कुछ भी हो सकता है, 10,000 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा इतनी शार्प 50% की 29,000 पॉइंट रैली किया उसने 10 साल में, 29,300 पॉइंट रैली किया फ्रॉम 3319, ये कितना बड़ा, 32,613 पैसा बनाया 10 साल में, इसको कल कोई रोक नहीं सकता। तो व्हाट कैन यू डू गाइस, चलिए ये हो गया, आज मेरा पूरा दर्द छलक रहा, कल पैसा बनाया 10 साल में 3319 जो 2,000% 3 महीने में गिर जाता है तो शार्प अपसाइड आएगी,
इसको कल कोई रोक नहीं सकता। क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, इसको सुनिएगा, 16,000 बहुत सारे 10% भी हो जाते हैं, इसको सुनिएगा आप लोग। जो हमारे देश की शान होती है, हमारी देश की इकोनॉमी जिससे देखी जाती है, वो भी 50% 3 महीने में गिर जाता है, तो व्हाट कैन यू डू गाइस। चलिए ये हो गया, आज मेरा पूरा दर्द छलक रहा। कल डेफिनेट है कि जो भी इन दोनों में से एक लो बनाएगा, 16,306 या 16,000, ये दोनों में से एक लो बनेगा और एक शार्प अपसाइड आएगी, इसको कल कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब 23 तारीख को क्या बोल रहा हूँ कि कल एक 16,000 या 16,300 का लो बनेगा और एक शार्प अपसाइड आएगी। आप देखिए, सुनिए वापस, 23 मार्च को ये बातें बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमारी देश की शान होती है, हमारी देश जो भी इन दोनों में से एक लो बनाएगा, 16,306 या 16,000, ये दोनों में से एक लो बनेगा और एक शार्प अपसाइड आएगी, इसको कल कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब आ जाइए निफ्टी। तो देखिए 23 तारीख को मैंने ये व्यू दिया, तो 24 तारीख को निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी देखते हैं। ये 23 तारीख का चार्ट है, 16,791 का लो था उस समय जब मैंने ये वीडियो बना रहा था, तो 16,791 का लो था, आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ पे ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ लाता हूँ, 16,791 का 23 तारीख को लो था, और मैंने बोला अगले दिन जब वीडियो बना रहा था कि अगले दिन या तो 16,000 या 16,300 का लो बनेगा और उसके बाद एक शार्प अपसाइड आएगी। तो अब देखिए अगले दिन क्या हुआ, 24 तारीख को, ये 24 तारीख को इसने 16,116 का लो बनाया, कितना बनाया, 16,116 का, और इसने हाई कितना बना दिया उसी दिन, 17,841, कितना बनाया दोस्तों, 17,841। ये एडवांस में आपको बोल के दिखाया हूँ, उसी दिन जब ऐसी मंदी कंटिन्यूएशन में थी तो भी मैंने बोला अब बॉटम बनेगा। तो ये था प्रमोद जैन। तो अगले दिन देखिए 16,116 का ही लो बना और एक शार्प अपसाइड आई, वहाँ से 1,800 पॉइंट बढ़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी 1,800 पॉइंट, और क्लोजिंग भी उस दिन 17,107 दिया, उस दिन की क्लोजिंग 17,107 आई, जबकि लो बना था 16,116। अब आ जाइए इसके अगले दिन का वीडियो दिखाता हूँ। मतलब कोई लोग, बहुत लोग तो खाली यूट्यूब में क्लेम करते हैं मैं भी तेजी कराया, अरे प्रमोद जैन जैसा करा के दिखा, खुलेआम सब चीज़ एडवांस बोलता है, अगर दम है तो करके दिखाओ, कोई भी एक बंदा है तो, ऐसा एक भी लेके आओ पूरा यूट्यूब में। अब दिखाता हूँ आपको ये 25 तारीख का वीडियो, ये कब का है, 24 मार्च को मैंने वीडियो बनाया, ये सॉरी ये तो हो गया, अब ये है क्या, हाँ ये वीडियो तो हमने देख लिया दोस्तों, ये तो ऑलरेडी देख लिया। अब मैं आपको इसके बाद का वापस बैंक निफ्टी का चार्ट खोलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आज मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ आपको, कि आपको सब चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगला वीक मंदा भी रहे तो घबराना मत, उसके अगले वीक तेजी होगी, उसके बाद ही मार्केट एक बार 11,000 या 11,200 2-3 अगस्त तक आपको खींच के ही रखेगा, और 2-3 अगस्त से बड़ी मंदी आएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो मार्केट को हो सकता है 7,511 का लो भी तोड़ के 6,200 बनाए, उल्टा एन जो मैंने उसमें डिस्कस किया, 6,400 का भी नया लो बन सकता है आने वाले 2-3 महीनों में, समझ में आया आपको। तो ये सब है, बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए तभी आपको फ़ायदा होगा। तो अब आपको दिखाता हूँ ये 25 तारीख को, मतलब ये वीडियो बनाया मैंने 24 तारीख की शाम को, दिखाता हूँ ये वीडियो बनाया था 24 तारीख की शाम को, ये देखिए 24 मार्च को बनाया, कि 25 मार्च को क्या क्या होगा बैंक निफ्टी में, जब आपको 23 तारीख को बनाया था उसमें 24 तारीख को सक्सेस रेशियो दिखा दिया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें दिखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कल का लो क्या था, इसको भी देखिएगा, कल का कल सुनिएगा, पोजिशनल और में बाय इन द मनी कॉल ऑफ 17,500, स्टॉप लॉस विल बी
गया बैंक निफ्टी का, इसको भी आप मैं सेव कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, आने वाले एक दो दिन में 19,200 या 21,000 भी आने वाला है। इस वीडियो में ही मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आने वाले एक दो दिनों में, ये 24 मार्च को मैं बातें कर रहा हूँ 25 मार्च के लिए, और बोल रहा हूँ आने वाले एक दो दिन में आपको यहाँ पढ़ने दिखाई दे रहा है कि 19,200 या 21,000 भी आ जाएगा। तो अब आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड। ये मैंने इसमें लिखा है, देखो आप, आपको दिखेगा, ये 24 मार्च को शाम को लिखा है ना, कि 25 मार्च के बाद ये भी हो जाएगा। कि अब आप देखिए, ये 23 मार्च था, ये 24 मार्च को जब मैंने ये वीडियो बनाया था लिखा, और 25 मार्च को क्या हुआ, देखिए आप, 25 मार्च को ये कहाँ आया, 25 मार्च को ये 18,740 खाई बना दिया। आपको दिखेगा, आपको दिखेगा, 25 मार्च को इसने 18,740 का हाई बना दिया, और 26 मार्च को ये 20,409 का हाई बना दिया, और 27 मार्च को ये 21,400 चला गया, जो मैं उस वीडियो में लिख रहा हूँ जो 24 तारीख को लिखा। 21,000 मेरे दिमाग में वो फिगर कहाँ से आ गया, और मार्केट ने वो ला के दिखाया। और आपको बताता हूँ, इस दिन वो मूडीज जो चोर थे वो बोले इंडियन बैंकिंग सिस्टम डाउनग्रेड है। तो मैंने इस वीडियो में, इस दिन के वीडियो में जिक्र भी किया कि ये मूडीज चोर, जब पूरा बैंक निफ्टी 30,000 से 16,000 आ गया, तब तुम लोग बोलते हैं कि डाउनग्रेड करेंगे इंडियन बैंक को। अब तो डाउनग्रेड तुमने 30,000 पे क्यों नहीं किया था, तो ये सब भी बातें मैंने उसी दिन की थी, मुझे आज भी याद है। तो आप देखो, 3 दिन में वो 21,000 पहुंचा, जो मैंने इस वीडियो में भी बोला है कि 21,000 भी जा सकता है, 19,200 तो आएगा ही आएगा, ये बोला हूँ मैंने इसमें, तो ये आपको प्रमाण। अब इस वीडियो को एक और झलकी देखिए, जब मैंने स्टॉक्स भी उसी दिन से चालू कर दिए थे, अब इसको भी सुनिएगा। आपको ये टैलेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग को, मुझे आज खोजना पड़ा ये सब चीज़ें। हालांकि उसको स्टॉप लॉस रख के इंट्रा 2019-20 में, अब ये देखिएगा, पैटर्न दिखाता हूँ, ये पीएल मैं उसी दिन बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे में भी कल ये बहुत अच्छा पैसा देगा, इसको देखिएगा कल के लिए। अब आ जाइए, निवेशक मतलब जो लोग, इसको सुनिएगा पूरा। अब आ जाइए, इसका नाम है पीरामल इंटरप्राइज लिमिटेड, ये फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है, 623 का आज का क्लोजिंग प्राइस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इसका 52 वीक हाई जो है वो भी सुन लीजिए, वो नवंबर 2019 द हाई वॉज 1874 से, कल की रेट है 623। और ये अच्छी कंपनी है, मैं आपको बताऊंगा इसका कारण। और जिसको, जो निवेशक है, निवेशक मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक दो साल के लिए, मैं उनको बोलता हूँ, मैं बहुत कम ऐसा डिस्कशन करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको कल आप आँख बंद करके 100, 50, 20, 30 जितने भी आप ले सकते हो उतना शेयर लेके दो साल के लिए भूल जाइए। आपका टारगेट रहेगा कम से कम भी 1400 रुपये, और आज की क्लोजिंग प्राइस है 623, कम से कम भी 1400 रुपये मिनिमम टारगेट, कितना ये दो साल के लिए, और हो सकता है एक साल में आ जाए, I don't know, एक साल में भी आ सकता है, लेकिन आएगा। जो निवेशक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, ये स्टॉक मुझे, अब इसका रीज़न समझाता हूँ क्यों लेना चाहिए। और कल के लिए भी जो इंट्राडे प्लेयर है, आज का जो लो है उसको स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे में भी कल ये बहुत अच्छा पैसा देगा, कल के लिए हीरो रहेगा ये। आज का लो है इसका 606, तो कल आप लोग 606 का स्टॉप लॉस डाल के इंट्राडे में भी इसको ले सकते हो, और इंट्राडे में कम से कम ये 5-7% का गेन दे सकता कल, कम से कम 5-7% मिनिमम गेन यू कैन एक्सपेक्ट टुमारो। चलिए ये हो गया। अब इसको मैंने स्टडी भी किया दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ, ये एक वेबसाइट है marketsmojo.com, तो इसका एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, पीरामल आज की रेट ही है, BSE और NSE की रेट है। तो इसमें देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों ने इतना ले रखा है, प्रोमोटर के पास कितना है 46.06% है, FIs के पास 29.8% है, आदर्श के पास कितना है, एक भी शेयर इसका प्लेज नहीं है, देखिए प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग्स नन,
मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स। म्यूचुअल फंड ने 19 स्कीम मिला के खाली 42.42%, लेकिन FIs 446 FIs मिल के 30% लगभग इसका शेयर होल्ड करते हैं। और इसके प्रोमोटर्स की दिसंबर 2019 से लेके ये कलर रहेगा तो एवरेज, इसका मैनेजमेंट जो है वो एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ग्रोथ ग्रीन में मतलब देखिए, ये रेड मतलब बिलो एवरेज, ये जो ये वेरी अट्रैक्टिव है। क्यों देखिए वैल्यूएशन क्या लिखा है इसने, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, 623 पे बहुत ही अट्रैक्टिव। तो चलिए ये भी आपने देख लिया कि अब इसका हम लोग रेट देखते हैं। उस दिन 620 कितना पे क्लोज हुआ, 606 का लो था इसका ना, यही मैंने बात किया 24 तारीख की वीडियो में, है ना। तो देखते हैं अब पीरामल आज की रेट भी देख लेते हैं, पीरामल इंटरप्राइज। और मैंने तो एक या दो साल बोला था 1400 का टारगेट, 600 पे बोल रहा हूँ दोस्तों, 600 पे। उसके ऐसा कोई यूट्यूब में करके दिखा दे तो मान जाऊँगा साला कि है कुछ इंसान, वो भी ऐसा भी करके ओपनली बोल के करके दिखा सकता क्या। बहुत सारे देखे मैंने, ये देखिए इसी दिन मैंने वीडियो बनाया जैसा कैंडल बनी हुई थी और 606 का लो बना था, आपको ऊपर दिख रहा है 606 का लो। और मैंने बोला अगले दिन इंट्राडे में भी भागेगा, तो अगले दिन इंट्राडे में कितना प्लस हुआ, मैंने बोला 607% मिलेगा, आपने अभी वीडियो में सुना। तो अगले दिन इंट्राडे में कितना मिला दोस्तों, 9% इंट्राडे वाले को भी मिला, जो फ्यूचर में इसकी इसकी लॉट है 1350 की या शायद 1250 या 1300 की, तो किसी ने फ्यूचर में भी अगले दिन लिया होगा तो। और देखिए इस दिन 623 का क्लोजिंग है 24 तारीख को, और दो दिन में कहाँ पहुँचा ये, दो दिन में 1019, दो दिन में प्रमोद जैन के बताने के बाद। और अब छोड़िए इसको भी गोली मारी मैंने, 1400 का टारगेट आपको कब तक का दिया, अगले एक साल दो साल का बोला या एक साल में भी आ सकता है। तो अब देख लीजिए कहाँ पहुँच गया ये शेयर, ये 1473 तक पहुँच गया 8 जुलाई को, 1473। तो बस ये सब टैलेंट है और बाकी कुछ बताना नहीं है, सावधानी का टाइम है। और अगर टाइम मिला तो मैं रात को निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं मिला तो कल बनाऊंगा बॉस, चिंता मत करिए, बहुत अच्छा व्यू रहेगा। लेकिन मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया ताकि आप लोग सावधान भी रहो, ये पीई पे भी नज़र रखना, साथ में मैंने जो बोला कि एक बार 11, लेकिन नेक्स्ट वीक सावधान से रहना क्योंकि नेक्स्ट वीक मंदी रहेगी तो ही अगली वीक तेज़ी आएगी। तो मार्केट अभी छोड़ने वाला नहीं है बीयर्स को छोड़ेगा अगस्त महीने में, ये भी मैं आपको ऑन पेपर भी लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ग्रेट नॉलेज होने के बावजूद लोग इतने कम व्यू होते हैं, तो किसकी गलती आप सोच लो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।